हाय एवरीवन, आई एम शहजाद। आप देख रहे हैं दी शॉपिंग चैनल। आज मैं आपके लेके आया हूँ मोटरोला का मोटो E4 प्लस। मोटरोला कंपनी लिनोवो ने परचेज़ कर ली है, लेकिन मोटरोला की ड्यूरेबिलिटी और टेक्नोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं आया। आप देखेंगे उसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल सेम वही है जो पहले आप लोग बाई करते हैं। आज मैं मोटरोला E4 प्लस का रिव्यू करने वाला हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम। इसकी जो प्राइस है $180 US है। मेरा ये सजेशन है, आप ये ज़रूर फ़ोन बाई करें, क्योंकि इसके स्पेक्स बहुत आउट क्लास हैं। इस प्राइस में ये बहुत आउट क्लास फ़ोन है। ये मोटरोला E4 प्लस का बॉक्स है। इसके स्पेक्स जो है मेन वो बैक साइड पे इसके बॉक्स के लिखे हुए हैं। ये फ़ोन 2017 में लॉन्च किया गया है और इसकी एक साल की वारंटी अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी जो प्राइस है वो $180 है USA का, और आप अपने अपने कंट्री के हिसाब से चेक करते हैं वो क्या बनती है। इसकी बॉडी की डायमेंशन सबसे पहले चेक करते हैं वो क्या है। 155 mm इसकी लेंथ है, 77.5 इसकी विड्थ है और 9.6 mm इसकी थिकनेस है, मोटाई है। इसका जो वेट है 198 ग्राम है। इसकी जो बॉडी है एल्युमिनियम की बनाई गई है और इसकी जो फ्रंट पे फुल ग्लास लगाया गया है। इसका जो कलर है वो आयरन ग्रे है। अभी इसको ऑन कर लिया गया है, इसका डिस्प्ले चेक करते हैं वो कौन सा है। इसका डिस्प्ले है जो IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। 16 million कलर्स हैं। 5.5 इंच इसका डिस्प्ले है। 83.4 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसकी बॉडी है। 69.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है इसकी। और इसकी जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो 720x1280 पिक्सल है। पिक्सल डेंसिटी जो इसकी स्क्रीन की है वो 267 ppi/inch डेंसिटी है। और ये मल्टी टच है। इसकी जो स्क्रीन पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 लगाया गया है और नैनो कोटिंग की गई है, जो कि पानी को ये ठहरने नहीं देता ऊपर स्क्रीन के। ये पानी से भी प्रोटेक्ट करता है स्क्रीन को। इसके नेटवर्क की बात करते हैं, 3G 4G LTE सारे ये सपोर्ट करता है। GPRS एज तो सब में है। और ये ड्यूल सिम और सिंगल सिम दोनों मॉडलों में अवेलेबल है। इसकी जो दोनों सिम है वो नैनो है। अगर ड्यूल सिम मॉडल लेते हैं तो दोनों सिम नैनो है। और ये इसकी डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी इसमें अवेलेबल है। आप दो सिम भी डाल सकते हैं और मेमोरी कार्ड अलग से डाल सकते हैं। 128 GB तक ये मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। और इसकी जो रैम है वो 3 GB की है और इसकी इंटरनल जो मेमोरी है बिल्ट इन वो 16 GB की है। OTG सपोर्ट करता है। आप इसको एक्सटर्नल OTG USB ऑन दी गो लगा सकते हैं। इसका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 7.1 बिल्ट इन नोगट है। और इसको जो अपग्रेड किया जा सकता है, ओरियो पे ये अपग्रेडेबल हो जाएगा। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है। और इसका जो चिपसेट लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन का 427 है। और इसका जो CPU है क्वाड कोर 1.4 GHz का है। सबसे आउटक्लास चीज़ इसकी बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है। और इसकी जो 2 दिन इसका टाइमिंग है फुल यूज़ के साथ है। उसका बैटरी इसकी नॉन रिमूवेबल है, फिक्स बैटरी है। और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है फ्रंट माउंटेड, एक्सेलरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, एम्बियट लाइट और सेंसर लाइट भी है, नोटिफिकेशन लाइट भी इसमें मौजूद है, मैग्नेटोमीटर, ई कॉम्पस भी इसमें अंदर सेंसर है, वाईफाई हॉटस्पॉट, ये सब कुछ अवेलेबल है इसमें, ब्लूटूथ वगैरह। अभी इसके कैमरे की बात करते हैं तो इसका जो रियर कैमरा है वो 13 MP का है। ऑटो फोकस कैमरा है और इसमें ड्यूल फ्लैश लाइट अवेलेबल है। इसमें बस्ट मोड भी है, पेनोरामा, HDR और 720 pixels की ये वीडियो बना सकते हैं। ब्यूटिफिकेशन मोड भी इसके अंदर शामिल है। इसके कैमरा फीचर्स में जियो टैगिंग भी है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा 5 MP का है विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट कैमरे के साथ भी LED फ्लैश लाइट दिया गया है और इसका फ्रंट कैमरा भी फिक्स्ड फोकस है। फ्रंट कैमरा भी वीडियो बना सकता है, उसमें ब्यूटी मोड अवेलेबल है। और उसके फ्रंट कैमरे में भी बस्ट मोड और HDR अवेलेबल है। फ्रंट कैमरा आप चेक कर सकते हैं। इसका फ्रंट कैमरा जो पिक्चर लेते हैं वो जूम भी कर सकते हैं। और इसका ये ब्यूटिफिकेशन मोड बहुत आउट क्लास है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 720 pixels की वीडियो बना सकता है। आपने देखा कैमरा फीचर्स में जो रियर कैमरा था उसके भी जूम करके दिखाया था, उसके पिक्सल बस नहीं होते। अभी इसके एक्सेसरी चेक कर लेते हैं। ये 2 ampere का इसका अडाप्टर है, जो कि इसको मोबाइल पर लगाते हैं तो ये फास्ट चार्जर है। और ये फास्ट चार्ज करता है, बहुत जल्द ये चार्ज कर देता है। 1 घंटा 20 मिनट में बैटरी इसकी फुल हो जाती है। इसका 1 साल का वारंटी कार्ड है और इसकी ये हैंड फ्री है और इसकी ये डाटा केबल है। तो दोस्तों, ये था मोटरोला E4 प्लस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे नए मोबाइल जो लॉन्च होते हैं उसके अनबॉक्सिंग की और इसके रिव्यू की। थैंक्स गाइस।